ओके, अभी अभी मैंने आपको बताया है एक पोटैटो की मदद से, एक आलू की मदद से एक लाइट बल्ब को चलाकर। तो आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार सच में एक बल्ब जो है वो पोटैटो की मदद से जल गया। आप ऐसा करने की घर पर भी कोशिश ज़रूर करेंगे, मगर ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। तो यार अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आप घर पर आलू से बल्ब क्यों नहीं चला पाएंगे? अगर मैं इन दो आलू से बल्ब चला सकता हूँ तो आपको चलाने में क्या परेशानी है? तो यार परेशानी ये है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखने वाले हो नहीं, जिसकी वजह से आपको इसके पीछे का विज्ञान समझ में आएगा नहीं और आपका लाइट बल्ब आलू की मदद से चलेगा नहीं। तो विज्ञान समझने के लिए वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। चलिए मैं जल्दी से आपको सेटअप पूरा दिखा देता हूँ। तो यार देखो, मैंने यहाँ पर सिंपली आयरन की दो कील को लिया है। आप चाहे तो दूसरी भी कोई चीज़ ले सकते हैं, मेरे पास कील अवेलेबल है तो मैंने यहाँ पर कील ले लिया है। और साथ में दो आलू लिए हैं। दो आलू लेना दोस्तों ज़रूरी है, एक आलू से आप इतना बड़ा लाइट बल्ब नहीं चला पाएंगे। और साथ में लिया है एक लाइट बल्ब। और मैं आपको बता दूं कि ये जो लाइट बल्ब है ना, ये बिल्कुल नॉर्मल है, कहीं से भी चार्जिंग होने वाला नहीं है, कोई बैटरी नहीं लगी है। और ध्यान ये रखें कि जो भी इसके पीछे के वायर है वो थोड़े से शार्प हो जाए ताकि उसका जो मटेरियल रहता है वो निकल जाए। तो आपको सिंपली कुछ स्टेप्स करने हैं और आपका भी लाइट बल्ब चलने लग जाएगा। सबसे पहले एक आलू लीजिए, उसके अंदर आपको कील को बिल्कुल नीचे तक चुबो देना है। दोस्तों कील पूरी आलू के पार निकल जानी चाहिए। आपको एक आलू के अंदर इस तरह से कील लगाना है और फिर इसी स्टेप को रिपीट करना है। जब दूसरे आलू में भी कील लग जाए तो आपको सिंपली फिर हमारा जो एक वायर का हिस्सा है, उस वायर के हिस्से को एक आलू की नेल में कनेक्ट कर देना है और दूसरे हिस्से को दूसरे में कनेक्ट करना होगा। और गाइस अब देखिए हमारा सेटअप बिल्कुल तैयार है, चलिए इसकी अब टेस्टिंग करते हैं। ओके, अब आप देखिए पूरा सेटअप तैयार है। अब जैसे ही मैं इस वायर को इस पर टच करता हूँ तो बूम, आप देख सकते हैं कि हमारा लाइट बल्ब किस तरह से चल रहा है और यहाँ पर कोई भी तार नहीं है। आप देख सकते हैं अलग से कोई भी कनेक्शन यहाँ पर नहीं है, पर ये कैसे चल रहा है यार, इसके पीछे का विज्ञान क्या है? देखिए मैं इसको टच करता हूँ, ये तुरंत जलने लगता है ना अमेजिंग। यार इसके पीछे का विज्ञान भी जानना जरूरी है और मैं आपको लाइट बल्ब भी उठाकर दिखा देता हूँ, यहाँ कुछ भी नहीं। चलो अब इस ट्रिक के पीछे का विज्ञान भी जान लेते हैं कि आखिर ये कैसे चल रहा है। ओके, अभी अभी मैंने आपको बताया है एक पोटैटो की मदद से, एक आलू की मदद से एक लाइट बल्ब को चलाकर। तो आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार सच में एक बल्ब जो है वो पोटैटो की मदद से जल गया। आप ऐसा करने की घर पर भी कोशिश ज़रूर करेंगे, मगर ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ सब जो भी बताया जाता है ना यार गाइस, सब फेक होता है। बहुत से यूट्यूबर अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए अपने ऑडियंस के साथ ऐसा खिलवाड़ करते रहते हैं और आज भी करते आ रहे हैं, और उनके चैनल पर बहुत सारे व्यू आते हैं, बहुत सारे यूट्यूब सब्सक्राइबर उनको मिल जाते हैं, मगर जो लोग अच्छे से उस ट्रिक का रिवील कर देते हैं उनको कुछ भी नहीं मिलता। मैं चाहता तो आपके साथ ऐसा सब कुछ कर सकता था, मगर यार मेरा दिल नहीं कहता कि मैं ऐसा कुछ करूं। तो मैंने आपको चला कर तो दिखाया, अब उसके पीछे की आपको ट्रिक भी दिखाई देता हूं कि आखिर वो चला कैसे और बाकी लोग भी उसको किस तरह से चलाते हैं और बाकी लोगों का पोपट बनाते हैं और अपनी जेब भरते रहते हैं। तो चलो अब उस ट्रिक का सीक्रेट भी जान ही लेते हैं। सो गाइस देखो, अभी ये लाइट बल्ब जल रहा है मगर इसके पीछे का सीक्रेट है एक स्विच। तो मैं ले चलता हूँ आपको स्विच तक। यहाँ पर देखो, अगर मैं स्विच को बंद करूँगा ना तो वहाँ पर लाइट बल्ब बंद हो जाएगा, और इसको ऑन करूँगा तो ऑन हो जाएगा। देखो ये बंद, ये चालू, ये बंद, ये चालू। यार आप सोच रहे होंगे अगर मैं वहाँ से स्विच बंद करता हूँ तो यहाँ पर ये जो बल्ब है ये कैसे बंद चालू हो रहा है यार। और यार अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट। ये देखो जूम, और आपको अब एक वायर दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों ये जो वायर है ना, ये बहुत ही पतला रहता है यार, और कैमरा और हमारी नग्न आँखों से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। तो मैंने नीचे से इसमें कनेक्शन कर रखा था और ये वायर जाता है सीधा हमारे स्विच बोर्ड में और वहाँ से चलता है हमारा बल्ब। तो यार बहुत से लोग यही ट्रिक को करके आपको बताते रहते हैं कि कैसे आप आलू से मोबाइल चार्ज कर सकते हैं या आलू से आप बल्ब चला सकते हैं। अरे यार भाई आप ही सोचो ना, अगर आलू से बल्ब चलता या मोबाइल चार्ज होता तो हमारी जो सरकार है
वो क्यों इतना ज़्यादा पैसा खर्च करती हाइड्रो पावर प्लांट में, या पवन चक्की जो कि विंड प्लान है उनके अंदर, या कोल का इन्वेस्ट करके इतनी महंगी बिजली उत्पन्न क्यों करती, सिंपली आलू उगाती और आलू से ही सारा काम चल जाता। तो यार यूट्यूब पे जो भी ये दिखाया जाता सब फेक है, डिसलाइक करो। तो आज आपके भाई ने आपको बताया है कि कैसे लोगों का मजाक उड़ाते हैं और उन्हें उल्लू बनाते हैं। तो यार आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।